इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को वादा करता हूँ कि ये मैं बिल्कुल बेच कर छोड़ूंगा। मैंने ये दसो कि इमरान खान का चलो जी बैट सी सुनिया कि जी 4 करोड़ रुपया बिक गया। हाँ जी ए शर्ट क्यों बिकी कि शबाशी ते नवाशी ने की केरे कारनामे अंजाम देने के जरा मियां साहब ने एक नहीं मैं बता सकता। मियां साहब 8 बजे 7 बजे दौड़ देने वो इंसान पागल इंसान है। मियां साहब रक्षे में ना आए तो फिर मेरा नाम बता देना। ये मैं इनका दीवाना हूँ, दीवाना देखे पाकिस्तान की गुरबत दूर करेंगे। इसे तो हम टाट ही बना सकते हैं घर में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, निशानदेही पाकिस्तान से आपका होस्ट AQ शेख। नाज़रीन मैं इस वक्त नून लीग के कैसे कारकुन के पास खड़ा हूँ कि जो शहबाज शरीफ जो इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान है उनके वो दीवाने हैं और वो कहते हैं कि जनाब के मेरे पास ये शबाशी की जो है ना उनका दावा है कि जी मेरे पास शबाशी की वो शर्ट है जो वो जब वज़ीर आला थे खादम आला थे तो उस वक्त वो पहनते रहे हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि शर्ट इन्होंने कैसे हासिल की और ये आज इन्होंने इनको बेचने का इरादा किस लिए। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। अच्छा सर पहले तो ये बताएं कि आपके पास ये शर्ट आई कहाँ से। सर ये 2014 में जब मियाँ साहब वज़ीर आला थे उस वक्त मैं इनके घर मेरा बहुत आना जाना समझ ले कि मेरा दूसरा घर मियाँ साहब का घर है। तो मियाँ साहब मॉडल टाउन वाला क्या जाती हूँ मॉडल टाउन वाला मॉडल टाउन वाला जी ये मैं जाता रहता और मियाँ साहब ने मुझे उस वक्त ये गिफ्ट की थी। अच्छा, और जब मुझे कौन सी शर्ट है जो गिफ्ट की थी। अच्छा ये वाली तो इसकी मुझे ये बताएं कि आपको ये गिफ्ट की थी तो आप मुझे ये बताएं कि आपने इस शर्ट की कीमत जो है करोड़ नहीं 2 करोड़ नहीं 3 करोड़ नहीं 4 करोड़ नहीं बल्कि सीधी सीधी 5 करोड़ ला देती है। 5 करोड़ तो पता कितनी बड़ी रकम होती है। सर अगर इमरान खान के जाली सैन मैं अभी भी कहता हूँ अगर इमरान खान के जाली सैन ये 4 या 5 करोड़ रुपए की शर्ट के ऊपर वो करके बेच सकता है तो मेरे कायदे आज़म जे वाली इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को वादा करता हूँ कि ये मैं बिल्कुल बेच कर छोड़ूंगा और दौरान मैं बचावांगा कितने तक शेर आया ना सरे तो हाल लगे तो फिर मैंने पता होगा। अच्छा मैंने है दसो कि तुसी शर्ट जी है तुसी ते शर्ट ना बड़ा प्यार करते हो। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, मैं करना तुसी ये 5 करोड़ रुपए की शर्ट की कीमत लगाई है। हाँ जी ते तो पता है 5 करोड़ बड़ी बड़ी चीजें बिक जाएगी। बिल्कुल बिकेगी और इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान की यहाँ पर गुर्बत दूर करूंगा और गरीबों को जैसे ये बिकती मैं गरीब आदमियों को आटा। अच्छा मुझे ये मैंने दसो कि इमरान खान का चलो जी बैट सी सुनिया कि जी 4 करोड़ रुपए का बिक गया। हाँ जी ए शर्ट क्यों बिकी कि शबाशी ते नवाशी ने की केरे कारनामे अंजाम देने के जरा। मियां साहब ने एक नहीं मैं बता सकता। सबसे पहले धमाका किया आप लोगों को ही पता धमाका किया उसके बाद मेट्रो बनाई उसके बाद येलो बनाई उसके बाद अपना तरक्की काम किए। मैं आज भी चैलेंज करता हूँ लोगों अगर उनके जलसे में एक भी लड़की ना आए तो उसका जलसा अगर कामयाब हो जाए तो मैंने नीचे थाम उठा लेना। वो इंसान पागल इंसान है। अच्छा मेरी गल सुनो तुसी जनाब शबाशी की तस्वीर लगाई है मैं देखना पे। हाँ जी ते अंदर फ्रंट ते कुछ लिखा भी है कि ये सर ये मैं इंशाल्लाह इनका दीवाना हूँ। ओह नो ये देखें ये नहीं है ये मैं इनका दीवाना हूँ दीवाना देखें इसको कहते हैं दीवाना हूँ मैं ये देखें ये शबाशी का मैं दीवाना हूँ। अच्छा सिर्फ फ्रंट तो ये कि रात को इसको मैं सोता हूँ इसके साथ ही सोता हूँ मेरे पास 8-10 शर्टें हैं एक नहीं है रोजाना मैं ये पहन के सोता हूँ मियां मोहम्मद साहब मेरा। अच्छा मैंने दसो कि तुसी क्या है कि जी मैं शर्ट पा के रात को सोना वा। हाँ जी ते साड़ी भाभी नाराज नहीं होंगी कि जनाब मैं वो उसको समझ लिया कि दूसरी उसकी सौतन है ये। क्या शबाशी नहीं हाँ मेरी ये समझ लें कि यदि उसकी सौतन है वो मुझे कहती रहती है लेकिन मैं फिर भी कहता मैं उनसे प्यार करता हूँ। तो वो तो बड़ी नाराज होती होंगी। नहीं कोई बात नहीं नाराज होती तो क्या हो गया लेकिन वो मेरा शेर है इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की तकदीर बदलूंगा मैं गरीबों का मुख ताटा दूंगा और ये मैं शर्ट बेच के छोड़ूंगा 5 करोड़ की मैं बेच के छोड़ूंगा ताकि इस पाकिस्तान। अच्छा ये क्या लिखा हुआ है शर्ट के ऊपर ये जरा कैमरा जरा दिखाएं क्या लिखा हुआ है जी के वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शबाशी की सफारी शर्ट नॉन लीगी लवर्स के लिए खरीदने का सुनहरी मौका जी। और नीचे लिखा है जी महंगाई बचाओ स्कीम। हाँ जी अच्छा ए की तुसी लिखा है जी महंगाई बचाओ स्कीम इसलिए ये लिखा है कि जैसे ये
ये हमारी शर्टें बिकेंगी लोगों को, गरीबों को हम आटा तकसीम करेंगे, ये मैंने घर में नहीं रखनी, ये अब जरूरत पड़ चुकी इसकी, गरीब आदमियों को इसकी जरूरत पड़ चुकी है, इसलिए मैं ये बेच के गरीब आदमी यहीं पर ये जैसे भी के यार लोगों का मैं दावा देता हूँ कि आप आगे जाके 20 किलो का आटा 10 किलो चीनी यहाँ पे मैं दूंगा। ये मेरा आपको वादा, वीडियो कर लें, अगर बिक जाएगी मैं मियां मोहम्मद शबाज शी से भी ये कहूँगा और यहाँ आके आप खुद तस्लीम करें। अच्छा, ये मैं शर्ट के ऊपर देख रहा हूँ जी, आपने मोती के हार लगाए हुए हैं और ये हाथ में परफ्यूम पकड़ा हुआ है, ये क्या है? सर ये हार, ये परफ्यूम तकरीबन मैं 8 साल से इसको लगा रहा हूँ, 8 साल से। अच्छा। और मेरा इसके ऊपर जो खर्चा, इसके ऊपर खर्चा नहीं आया, मेरे दिल के ऊपर आया। मैं इनको रोजाना ट्रंक में रखा हुआ था, रोजाना मैं इसको छिड़के रखता हूँ, छोड़ता हूँ अपने आप, इसको भी और इसको भी, शर्ट के ऊपर रोजाना रात को इसको मैं परफ्यूम लगा के। अभी कितना अर्सा हो गया? 8 साल हो गए, 8 साल। 8 साल से आप ये परफ्यूम लगा रहे हैं, जिसमें मेरा खर्चा परफ्यूम का 1.5 से 2 लाख रुपए आ गया। लेकिन कोई बात नहीं, अगर इससे ज्यादा भी होगा मैं लगाता रहूंगा, ये लगाता जब तक ये सेल नहीं होती। अच्छा, ये जो हमारे लीडर हैं, अच्छा मुझे एक बात बताएं, जब ये लीडर हमारे जनाब वजीर आजम या वजीर आला बन जाते हैं, हाँ जी, तो उस वक्त आप जैसे वर्कर, जो आप जैसे सपोर्टर हैं, आप जैसे जो कारकुन हैं, उनको भूल जाते हैं ना, वो वजीर आजम हाउस जा सकते हैं ना वजीर आला हाउस जा सकते हैं, तो मियां साहब के बारे में क्या कहेंगे? आपने किसी जिसने भी आपको कहा बिल्कुल गलत कहा, अगर आप मेरा चैलेंज करते हैं, मियां साहब को ये मीटर, ये सामने कैमरा लगा हुआ है, मियां साहब को कहूंगा इंशाल्लाह ताला, रक्षे में ना आए तो फिर मेरा नाम बता देना। और किराया मैं दूंगा उसको। मैंने दसो कि आए तुसी जरा शर्टा बेचने से लगाया है। हाँ जी। अच्छा, असी फर्ज किया कि तुहाडी शर्ट विक गई है 5 करोड़ रुपए की। हाँ जी। 5 करोड़ बहुत बड़ी अमाउंट होती है, असी फर्ज कर लेते कि तुहाडी शर्ट विक गई है। हाँ जी। 5 करोड़ रुपए की, तो तुसी 5 करोड़ का की करोगे? मैं सर गरीब आदमियों को जितने भी यहाँ पे, उनको आटा और चीनी दूंगा, मैं उनके लिए कर रहा हूँ, मैं खुद नहीं कर, क्योंकि जो मेरे मियाँ साहब ने कह दिया है कि मैं अपने कपड़े बेचूंगा, तो आज वो वक्त आ चुका है, वो इंशाल्लाह ताला ये कपड़े बेच के पाकिस्तान की गुरबत दूर करेंगे हम लोग। मियां साहब मेरा, अच्छा ये जो, तो आपको तकलीफ नहीं हो रही कि जिस शर्ट को आपने 8 साल संभाल के रखा है, आज क्या ख्याल है, क्यों आप इसको बेचना कर रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान को इसकी जरूरत आ पहुंची है, पाकिस्तान में इसकी जरूरत आ पहुंची है, उन फराडियों को नहीं है, वो फराडिये लोग हैं जो 400 BC करते हैं, ये जैनवन बंदे हैं, ये जैनवन चीज़ें हैं, वो दो नंबर चीज़ें नहीं हम रखते, वो जो करते हैं वो झूठ बोलते हैं, आज भी कल भी परसों भी ये झूठ बोलेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा ये मैं जानना चाहूँगा कि ये वो आपने बैनर के ऊपर लिखा हुआ है कि शेर एक बड़ी फेर, हाँ जी, महंगे आटे का तोड़ वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ की सफारी शर्ट और कीमत सिर्फ 5 करोड़। आपको मैं फिर दोबारा पूछूंगा, 5 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है? के बहुत थोड़ी है, मैं 10 तक बेचूंगा, मेरे पास 1, 2, 3, 4 बड़ी है, दूसरे नंबर पे भी बेचूंगा, तीसरे पे भी बेचूंगा, मैं बेच के छोड़ूंगा, मैं पाकिस्तान की गुरबत दूर करूंगा। अगर मियां मोहम्मद साहब ने ये कहा है कि मैं अपने कपड़े बेचूंगा, मैं शर्ट बेच के आप लोगों को, गरीबों को, सबको मैं आटा और चीनी दूंगा इंशाल्लाह ताला, मेरा ये वादा है, यहीं पर मैं दूंगा आपको। अच्छा जी, ये जो परफ्यूम बार बार आप जो इसको कर रहे हैं, तो मियां साहब को आपकी दीवानगी का पता है? वाह सर जी, ये मैं ये पूछना चाहूंगा कि मियां साहब को तुम्हारी दीवानगी का पता है? जी मुझे बिल्कुल पता है उनको, मैं उनको बहुत अरसे से जानता हूँ, ये लोग गलत कहते हैं, को मिलते नहीं है, करते नहीं है, आप कोई काम बताए उनको, पता है आप लोगों को कि कितने बजे उठ के आता है? ये तो सोया होता 12 बजे तक अठा मलता हूँ, जो तक चर्चना भी अख निकलती है, और मियाँ साहब 8 बजे 7 बजे सारे अदारे वक्त पै जाता है, दवर दगड़ दौड़ देने पेंटा ये वो, मैं 5 करोड़ से कम नहीं दूंगा। अच्छा, मैं 5 करोड़ का, मुझे एक बंदे ने 4 का कहा, मैं कह नहीं, मैं लिबर्टी जाता हूँ, मैं लिबर्टी जाकर मैं कहूँगा 5 करोड़ से मैंने काम नहीं करना, हो सकता इससे मैं जरा। यहाँ पर ये दीवानगी आप देख रहे हैं जी, मियाँ साहब का इनके साथ लव देख रहे हैं, तो मैं मियाँ शबाज शरीफ साहब को ये ज़रूर कहूँगा कि जनाब देखें कि आपके भी कितने ज़बरदस्त कारकुन जो आपसे लव करते हैं, और ये इनका दावा है कि जी ये 5 करोड़ की ये शर्ट बेच कर जाएंगे और फिर जी ये घर जाएंगे, और ये देखें ये क्या कर रहे हैं। सर जी ये थोड़ा सा परफ्यूम मुझे भी लगा दे,
वो कहते हैं जी ये मियां साहब पहनते रहे हैं जब वजीर आला खान में आ रहे थे। मियां साहब पहनता रहे, कोई उस्मान साहब तो कहे लंदन में बेचे जा रहे हैं। जो एवरफील्ड के महल हैं और जो बड़ी बड़ी जायदादें हैं और अपने असर से वो लाए उन्हें बेचे और मुल्क के हालात में के वो जो जो लंदन में जायदादें हैं वो बेचे कर ले ये इसको उसमें लंदन में बेचे जहाँ पे इनका लंदन में कारोबार था लोहे का वहाँ पे लोहा कूटते थे। आवाम को क्या बेवकूफ बना रहे हैं? वो कह रहे हैं आप आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। आवाम को नहीं बेवकूफ बना रहा, ये गलत बात है, मैं आवाम के लिए ही कर रहा हूँ। आप लोग दें आटा इनको, 10 तोड़े का टोला दें इमरान खान को। ये आप क्यों दें? वो जो फ्रॉडी है, नहीं वो फ्रॉडी है ना, अपनी जायदादें बेचे और इधर लाए। एक बार फिर मुझे बताए क्या ये पांचोर की फिर सकती है? बहुत ही अफसोस के वक़ार में कि ये जो है ना, मैं तो इसको 2 रुपए की भी ना लूँ, इस कपड़े को हमने क्या करना है? आवाम जो भूख से मर रही है। आपने भी ये कहा प्लीज रही है कि 2 रुपए की भी ना लें। जी बिल्कुल, मैं तो ये 2 रुपए की भी नहीं खरीदूंगी जी, मुझे तो आवाम के लिए रोटी चाहिए। वो कपड़े को क्या करें हमने? इनको जो जितनी जायदादें हैं, इतनी करोड़ों अरबों रुपए की जायदादें और ट्रांसफर करके इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग करके बाहर जो पैसे भेजे, अगर वो ले आए आवाम का भूख रंग से भरे हुए बेचारे आवाम है, उनको रोटी कपड़ा चाहिए, खाली ये नहीं चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा इनका मौकफ ये है कि ये वो कह रहे हैं कि जी वो अपनी जायदादें बेचे, शर्ट तो आपने बेचनी है। वो कहते हैं जी मैंने आज हर हाल में 5 करोड़ रुपए की शर्ट बेची। सर इन्होंने बात की है लोगों के, गरीबों की, ये मैं शर्ट क्यों बेच रहा हूँ? गरीबों के आटे के लिए मैं अपने लिए नहीं कुछ कर रहा। ये शर्ट बिक जाएगी 20 किलो का आटा, यहाँ पे आप मुझसे ले सकते हैं, मैंने आपको बताया। एक मिनट, हाँ जी प्लीज मैडम मुझे ये बताएं कि ये शर्ट आप खरीदेंगी? देखें जी जिस तरह के ये कपड़ा लग रहा है इससे तो हम टाट ही बना सकते हैं घर में। इससे तो हम टाट ही बना सकते हैं घर में। बाथरूम में टांग लेंगे वो तो टांगे ना, उसको भी जो छोटा सा बच्चे को उसको जल्दी सहन किया, गलत बात ना करे, वो भी मैं उसको बाथरूम में टांगूंगा। मैं भी उसको सोशल वर्कर है। अच्छा जी मुझे ये बताएं सर प्लीज, आपकी मेहरबानी है, सिर्फ जाते जाते ये बता दें कि शर्ट तो आपको मिल गई और ये जनाब अगर ये मतलब बिक जाती है तो मियां साहब के लिए आपके लिए क्या पैगाम है? वजीर आज़म पाकिस्तान शबाशी साहब हैं, हालात ख़राब हैं मुल्क के, मुझे बताएं उनके लिए क्या पैगाम है? उनके लिए ये पैगाम के मियां साहब ये शर्ट आपकी है और जैसे बिक जाती है आपने यहाँ पर आके इन गरीबों गरीब लोगों को आटा तकसीम करना है। 40 दिन की हुकूमत के अंदर आते ही कहता है कि जी मुझे अपना एक जहाज दे दो। मतलब है कि सरकारी जहाज पे जाके ना उन्होंने सरकारी खर्चे के ऊपर जाके उमरा किया है। ये मतलब है। भी लोग आप मेरी बात सुने, आप हल्फन बता दें कि ये जो आपने नवाज शरीफ की तस्वीर लगाई हुई है ये एक अच्छा इंसान है। मैं ये कहना चाह रहे हैं कि केड़ा इतने है कोई ਇਹਦੇ ਖਾਜੇ ਸਾਧ ਰਫੀ ਕਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੇਗਾ 5 ਕਰੋੜ ਦੀ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗਾ 5 ਦਿਨ 10 ਕਰੋੜ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੇਚ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਂਭੇ ਰੱਖਿਆ। 5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸ਼ਰਟ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 50,000 ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। इनके पास आपकी सोच से ज़्यादा दुनिया है, वो कपड़े नहीं बेचेगा। क्या बेचेगा? वो कुछ नहीं बेचेगा, इन तुम्हारे सोच से ज़्यादा दुनिया उसके पास है। उनका अगर अपना कपड़ा भी बेच देंगे ना, अपना कमीज शलवार, तो 100 रुपये का भी कोई नहीं लेगा। क्यों? वो कोई पसंद ही नहीं करता यहाँ पर पाकिस्तान में। हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान है वो इस वक्त। हाँ जी, और अगर अपने लंदन में अपने फ्लैट्स बेच दें तो फिर शायद बात बन सकती है। ये एक पब्लिसिटी स्टंट है फर्स्ट ऑफ ऑल ये लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। फूड कितने का होगा? 1,000 का, 10,000 का, 50,000 का होगा। 50,000 से क्या एक गली में भी आटा पूरा नहीं होना। कम से कम कोई अपने अच्छे फ्लैट बेचें लंदन वाले, कोई मिलें बेचें, कोई उनके पास इतने उनके जितने भी MNA MPAs हैं सारे करोड़पति बिजनेसमैन हैं, वो कोई जैसे खाकान अब्बासी साहब की ब्लू एयरलाइन है, कोई एक आध जहाज बेचें, कोई आवाम का भला हो हमें भी पता चले। एक मुझे पीछे एक साहब ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, उन्होंने कहा जी मैराडोना जो अर्जेंटीना का खिलाड़ी था उसकी 1.5 करोड़ रुपए की जनाब वो जो है ना शर्ट बिकी, तो शबाशी का साहब के कपड़े कितने बिक सकते हैं? देखें फेमस लोग हैं, जैसे इमरान खान का भी क्या सुना जाता था वो एक बैट पे साइन कर दे को वो करोड़ों में। हाँ जी, वो 4 करोड़ में बिका था बादशाह टाइम के लिए। हाँ जी वो बिका था, लेकिन ये इस तरह की चीज़ें म्यूजियम में रखी जाती हैं, अब इनके कपड़े कौन से म्यूजियम में रखे जाएंगे? आप बताएं जी कपड़े बेच के आटा सस्ता हो सकता है? ये मुश्किल है, ये सब आवाम के लिए जो है ना ये उल्लू बना रहे हैं। पाकिस्तान हम तुमसे ज्यादा है।